नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ के स्टेनो का फर्जीवाड़ा सामने आया है। सीएमओ के स्टेनो के द्वारा एक ही समय में स्वास्थ्य महकमे में ड्यूटी की गई और सिरसा के डिंग इलाके में रेगुलर जेबीटी भी की गई। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कर्मचारियों ने जब आरटीआई लगाई तो मामले का खुलासा हुआ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डिंग सिरसा और फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के हाजिरी रजिस्टर चेक किए गए तो पाया गया कि स्टेनो नितिन बत्रा एक ही समय दो जगह पर हाजिरी लगा रहा है। इसके बाद आज अस्पताल से हटाए गए कर्मचारी जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे तो सीटीएम को जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए कर्मचारियों और एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने कहा कि सीएमओ ने मिली भगत करके अस्पताल में ऐसे कर्मचारी लगा रखे हैं जिनकी फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है, जिसका खुलासा सीएमओ के स्टैंडों की फर्जी हाजिरी से हो चुका है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कर्मचारियों के द्वारा दस्तावेज के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि खुद को ईमानदार कहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी आरटीआई से जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उसमें साफ तौर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब देखना होगा कि सरकार क्या कार्रवाई करती है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। पूरा मामला यही है, ये सीएमओ ऑफिस का जो फर्जीवाड़ा है, ये पहले भी कई कंप्लेंटें हम कर चुके हैं और अब भी ये सीएमओ ऑफिस के एक कर्मचारी की कंप्लेंट हमने की है। आज उसकी दो जगह प्रेजेंट पाई गई है आरटीआई से, जो हमें डॉक्यूमेंट मिले उनके हिसाब से। यहाँ वो एक तो डिंग सिरसा में जो डाइट कॉलेज है वहाँ पर वो रेगुलर जेबीटी कर रहा है कर्मचारी, वहाँ पर उसकी जो अटेंडेंस है वो लगी हुई है, उसकी हमने कापी साथ लगाई है। और यहाँ भी जो सीएमओ ऑफिस में उसकी अटेंडेंस यहाँ भी लगाई हुई है सीएमओ ने, दोनों जगह उसकी हाजिरी, एक कर्मचारी एक ही टाइम में दोनों जगह कैसे प्रेजेंट हो सकता है। तो हमने खुलासा कैसे हुआ ये? ये हमने दोनों जगह की आरटीआई लगाई थी और वहाँ से दोनों जगह से उसके जो आरटीआई के थ्रू जो हाजिरी हमने ली है दोनों जगह। तो पीछे पहले भी आपने वो अब कंप्यूटर ऑपरेटर वाला खुलासा किया था, वो क्या परामर्श? वो भी किया था, उसकी भी अभी जाँच है, हमें तो कहीं बुलाया नहीं गया, देखते हैं अभी क्या चल रहा है उसमें। ये जो भी पता नहीं कैसे कार्रवाई करते हैं, जो कहाँ तक पहुँच है कहाँ तक नहीं है, जितने भी कंप्लेंट तो क्या हम प्रूफ ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये स्वास्थ्य महकमा कैसे इन पे मेहरबान है, यहाँ पे सीएमओ पे ये इन पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार ही है, ये तभी किसी भी कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। ये आज हमने स्टेनो के दिए, ये स्टेनो यहाँ पे कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे हाजिरी लगा के वहाँ पे भेजते हैं, या आप ये भ्रष्टाचार ही होगा, वरना कैसे दो जगह हाजिरी कैसे हो सकती है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। पूरा मामला ये है कि नितिन बत्रा नाम का सिविल हॉस्पिटल में कागजों में स्टेनो रखा हुआ है, जो कि सीएमओ का स्टेनो है। वही नितिन बत्रा जो कि सुंदरनगर का रहने वाला है, वो डिंग से डाइट से जेबीटी कर रहा है। वहाँ से जो हमने आरटीआई से सूचना ली तो उन्होंने डिंग ने पूरा रिपोर्ट कार्ड आरटीआई में दिया कि इतनी हाजिरी इतने इतने टाइम है। उसी टाइम ये रजिस्टर जो है सीएमओ ऑफिस से लिया, उसमें उसकी खुद की हाजिरी लगाई हुई है। तो दो जगह एक आदमी का हाजिरी लगाना और सीएमओ द्वारा उससे हाजिरी लगवाना और उसको एनएचएम स्कीम के तहत रखना और उसको फिर पे देना, तो सीएमओ भ्रष्टाचार करवा रहा है। इसमें सीएमओ अपराधी है और नितिन बत्रा भी अपराधी है, दोनों पर हम चाहते हैं कि अपराधी मुकदमा दर्ज हो, इसको जाँच हो और सीएमओ को तुरंत यहाँ से रिलीव किया जाए। तो इससे पहले भी कई खुलासे कर चुके हैं? इससे पहले मैं खुद सीएमओ ऑफिस में 2,08,000 रुपये बरामद हुए थे और वो मैं सीएमओ को चेयरमैन ग्रीवेंस कमेटी को मुख्यमंत्री को शिकायत दे चुका हूँ, उसकी जांच चल रही है, 2.5 साल हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ईमानदार सरकार में भ्रष्टाचार जोरों पर है। तो ये खुलासा कैसे हुआ, कैसे पता लगा आपको? ये हमें पता लगा कि यहाँ जो भी कर्मचारी है उसमें से 90% इसी प्रकार रखे जा रहे हैं। पहले जो कर्मचारी रखे थे उनको हटाया, स्टाफ कर्मचारियों को हटा दिया, उनके जगह भ्रष्टाचार करके कर्मचारी नए लगा लिए गए। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अभी तक सीएमओ कंप्लाइंस नहीं कर रहा है, ये भी एक आपराधिक कार्रवाई चल रही है। तो नियम क्या कहता है कि दो एक स्टडी भी ये कहता है कि अगर कोई बंदा एक जगह एक आदमी दो जगह एक टाइम में काम करता है उस पर आपराधिक मुकदमा बनता है, जो उसका सहयोग करता है या साइन करवाने में या उसकी हाजिरी लगवाने में तो उस पर भी आपराधिक मुकदमा बनता है। तो आप किससे मिले हैं? हम आज सीटीएम साहब से मिले हैं, डीसी साहब तो मीटिंग में बिजी थे इसलिए सीटीएम साहब को ज्ञापन दिया और आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। क्या नाम है जी आपका? सुशील बिश्नोई, एडवोकेट फतेहाबाद। क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, कुछ कर्मचारी जो अभी आप बता रहे हैं वो मिले थे और उन्होंने एक शिकायत पत्र दिया है। उस शिकायत पत्र पे
माननीय उपायुक्त महोदय से आदेश लेकर इस पर जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएगा उस पर कार्रवाई की।